वो एक चमत्कार था कि मैं बच भी गया, मतलब वो एक चमत्कार था कि मैं बच भी गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हंसराज हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद के निधन के बाद पूरा मनोरंजन जगत सदमे में है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर हाथी का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि पहले भी एक बार मौत को चकमा दे चुके हैं डॉक्टर हाथी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अब आप खुद इस वीडियो को देखिए और डॉक्टर हाथी की जुबानी सुनिए कि आखिर पहले वो एक बार मौत को कैसे चकमा दे चुके हैं। मेरा नाम कवि कुमार आजाद है और मैं पेशे से एक्टर हूँ और मैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा नाम के एक सीरियल में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार करता हूँ। वैसे असली जिंदगी में मैं एक अच्छे किस्म का मरीज भी हूँ। डॉक्टर मूफी को मैं 2010 से जानता हूँ और मुझे किसी ने डॉक्टर मूफी के बारे में बताया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और डॉक्टर मूफी से जब मैं मिला मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये सर्जरी करनी चाहिए। और फिर एक ऐसी स्टेज आई जब मैं वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर मूफी ने मेरा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद मतलब वो एक चमत्कार था कि मैं बच भी गया और मेरी लाइफ बदल गई। 2010 की ये घटना है, फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा। दरअसल डॉक्टर हाथी का 9 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। डॉक्टर हाथी के अंतिम संस्कार में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई सितारे शामिल हुए। लेकिन जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, डॉक्टर हाथी पहले भी एक बार अपनी सर्जरी करवा चुके हैं। जी हाँ, मोटापे की सर्जरी उन्होंने करवाई थी और तकरीबन 80 किलो वजन कम करवाया था। लेकिन इसी बीच उन्होंने बताया कि एक चमत्कार था कि उस वक्त सर्जरी सफल हुई और उनकी जान बच गई, उनकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ और सफल सर्जरी हुई। अब इन बातों से लगता है कि जो उन्होंने सर्जरी करवाई थी उसमें रिस्क था, पर पिछली बार उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। लेकिन इस बार हार्ट अटैक ने हमारे प्यारे सितारे को, चहेते को हमसे छीन लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।